वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी क्लास 10। हमारा चैप्टर चल रहा था लीनियर इक्वेशन, मतलब इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री खत्म करा दिया है, बहुपद खत्म करा दिया है, पॉलीनोमियल्स खत्म करा दिया है। ये भी आज लास्ट एक्सरसाइज है 3.6। इसके हमने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। 3.6 से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर का या 4 नंबर का पेपर में रखा हुआ है। क्या है, आज हमने 3 क्वेश्चन लिखा है, ये 3 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। क्या है, जो हमारे कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हो गई है, बहुपद हो गया है, उसको आपको पहले देखना है। उसको क्या कहते हैं कि हमारे प्लेलिस्ट वी स्टडी चैनल के प्लेलिस्ट में क्या है, सब वीडियो अपलोड हैं, आपको वहाँ जाना है। क्या कहते हैं कि आपको देखना है, सही से मेहनत करना है, सही से घर में रह के आप सबको तैयारी करना है। क्या है कि आप इधर उधर जाएंगे तो टाइम बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, जब पढ़ नहीं पाएंगे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो क्या कहते हैं प्रेशर आता है, और प्रेशर में कुछ नहीं हो सकता है। क्या करना है, आप लोगों को उन बच्चों तक पहुंचाना है, शेयर करना है। जब भी यूट्यूब क्या कहते हैं खोलिए, अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, जो भी वीडियो अपलोड होंगे आपको ऊपर नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। तो क्या है कि आपको क्या कहते हैं मेहनत करना है। क्या है हमारा क्वेश्चन आज का, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, दूसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, पहले का पहला ये है, सेकंड ये है, और क्या है हमारा सिक्स क्वेश्चन ये है। क्या है इसको हम देख रहे हैं, अभी हम बर्बल करेंगे, बर्बल नहीं हमें क्या कहते हैं हाई स्कूल में, लेकिन हम आंसर की चेक कराएंगे। अगर एक्स की वन अपन एक्स की वैल्यू क्या कर दें, 1/2 ले लें, या एक्स की वैल्यू 1/2 ले लें, यहाँ 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से और 1/y की वैल्यू 1/3 ले लेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1+1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1+1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम x अंडर रूट x की वैल्यू या x की वैल्यू हमने 4 ले लें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, अगर y की वैल्यू हम 9 ले लेते हैं, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। इधर से क्या कहते हैं कि कितना हो जाएगा हमारा, इधर से 1, इसका मतलब हमने जो भी लेट किया है बहुत ईजी है। इधर हमने अगर x की वैल्यू 1 ले लें, y की वैल्यू 2 ले लें, 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। कितनी जल्दी आपका क्वेश्चन हो गया, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था क्या था, 1/2x + 1/3y = 2। हमारा सेकंड क्या है, तो क्या करते हैं हम, जो पहले हमने इक्वेशन लिखा 1/x को आप लिख कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, p, और 1/y को आप लिख कर सकते हैं q, क्या होगा q, लिख कर दिया हमने, q लिख कर लिया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/p/2 + 1/y की जगह में q/3 = 2। एसीम ले लेंगे, एसीम आ जाएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, p + 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2q = 2। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 3p + 2q = 12। ये क्वेश्चन हमारी फर्स्ट हो गई, इस तरह के हमने क्वेश्चन। अब हमारी क्या ये एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 का क्वेश्चन बन गया हमारा, क्या बन गया, 3.3 का क्वेश्चन बन गया। क्या किया हमने, इस तरह के क्वेश्चन में कहीं भी इस तरह क्वेश्चन आओ तो 1/x को p मान लेंगे, 1/y को q मान लिया, 1/x के जगह में हम p रखा तो p/2 हो गया, और 1/y की जगह में हमने q रखा तो q/3 हो गया, = 2 हो गया। अब क्या हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो 3p हो जाएगा, तो 3 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2, तो 2q हो जाएगा, = 2। तो क्या कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब क्या करना है हमें,
इक्वेशन जो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या था, सेकेंड इक्वेशन हमारी थी 1/3x प्लस 1/2y इजल टू 13/6। 1/x जगह हम लेट किया पी, तो पी अपान थ्री प्लस क्यू अपान टू इजल टू 13/6। ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या है, अब इसके बाद करेंगे हम एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2p प्लस 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 3q इजल टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे सेकेंड आ गई। क्या किया, 1/x को हमने क्या कर लिया, पी लेट कर लिया था, तो पी अपान थ्री हो जाएगा, उसके बाद क्यू अपान टू हो जाएगा, 13/6 हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम ले लिया 6 हो जाएगा, 3 से डिवाइड किया 2p हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा, इक्वल टू 13/6। एक्स 6 से 6 इक्वल में है, अगर इक्वल में संख्या होती कट जाती है। हमारा दोनों इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे हम, अब हमारी जब दोनों इक्वेशन आ गई हैं तो उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3p प्लस का 2q इजगल टू 12, और 2p प्लस का 3q इजगल टू 13। ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट थे, ये इक्वेशन सेकेंड थे। अब हम इसको कौन से मेथड से करेंगे, ये मेथड से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कहते हैं एनी मेथड मेथड से करेंगे। यहाँ इसको कॉफिशिएंट के इक्वल करेंगे, तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई मतलब इस कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई गुणांक इसमें पूरे में कर देंगे, और इस कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, तो हमारा यह हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 3p हो जाएगा, प्लस का 6q हो जाएगा, उसके बाद 24 हो जाएगा, 2p हो जाएगा, फिर इसका मतलब 6q हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। अब दोनों क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए भी माइनस, ये कितना हो जाएगा हमारा 7p, कितना हो जाएगा हमारा 7p। इधर से हमारा आ जाएगा, थोड़ा वीडियो रोको, ए जरा थोड़ा, क्या था ऊपर के कहते हैं 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को नीचे कर देंगे, कितना हो जाएगा 9p हो जाएगा, प्लस का 6q हो जाएगा, और 12 3 36 हो जाएगा, फिर 4p हो जाएगा, प्लस का 6q हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा 13 26 हो जाएगा। दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5p बचेगा, इधर क्या बचेगा 10, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू हमारी आ गई 2। जब p की वैल्यू हमारी 2 आ गई, क्या किया हमने, इन दोनों प्लस करे तो हमने माइनस कर दिया, इधर 36 में माइनस कर दिया 26, तो 10 आ जाएगा, इधर ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल है। अभी इसको इसके मैंने 2 रख दिया, अब पी की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब 2 की पी की वैल्यू कहीं भी हम रखेंगे तो हमारी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या है, हम इक्वेशन पी की वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकेंड था, पी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, मैं रखने पर क्या हुआ हमारा था 3p प्लस का 2q इजगल टू 12। पी की वैल्यू आ गई तो क्या आ जाएगी, 3 × 2 प्लस 2q इजगल टू 12, 3 × 6 6 उधर जाएगा, तो 2q इजगल टू क्या हो जाएगा 12 − 6 क्या हो जाएगा हमारा, तो 2q इजगल टू 6, तो q इजगल टू हमारा 3 हो जाएगा, q इजगल टू हमारा 3। जब q इजगल टू 3 हमने लेट क्या किया था, हमने लेट किया था
वन अपान एस की वैल्यू निकालना था, एस की वैल्यू हमें निकालना था। जो हमारा क्या कहते हैं कि क्या है, वन अपान एक्स इजल टू पी की वैल्यू हमने क्या निकाला, टू। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, वन अपान एक्स की नहीं, हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो इसको हम इसको इधर ले आएंगे, इसको हम इधर भेज देंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये एक्स की वैल्यू आ गई और वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी, वाई हमने कैलकुलेट किया था, वन अपान का वाई इजल टू की वैल्यू आ गई हमारे 3। तो वाई वन अपान वाई की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू आ गई 1/2 और वाई की वैल्यू आ गई 1/3। तभी हमने आपसे बोला था कि ये वैल्यू हम सीधा पुट करेंगे क्वेश्चन में और हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, थर्ड थ्री का थर्ड पार्ट है, क्या है, 2 अपान 1 प्लस x प्लस 3 अपान का √y = 2। हमने लेट कर लिया 1 अपान का √x = p और 1 अपान का √y = q। यहाँ वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा, 2p प्लस का 3q = 2। इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार जो हमारे इक्वेशन थी 4 अपान का √x - 9 अपान √y = -1। तो क्या किया हमने, 4 अपान √1 की जगह हम क्या लिखेंगे, p 9, इसके जो 1 अपान √y की जगह हम क्या लिखेंगे, q = -1। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब क्या है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या किया हमने, 1 अपान √x को क्या माना हमने, p माना, और 1 अपान √y को हमने q माना, वैल्यू हमने पुट कर दिया, हमारा ये हो गया। अब क्या है, जो हमारे कहते हैं क्वेश्चन है 4p - 9q = -1। ये क्वेश्चन सेकेंड थी, हमने ऊपर लिख दिया। अब क्या है, अब इसमें सोचेंगे तो इजी तरीका लगाएंगे, अगर हम ऊपर अगर मल्टीप्लाई हम कर दें 3 का, क्या कर दें 3 का, और नीचे अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 6p + 9q = 6। 4p - 9q - 1। ये क्या है, दोनों को हमने प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 6 4 10 हो जाएगा, 10p 5। p = 1/2 हमारा आ जाएगा 1/2, और q = आ जाएगा हमारा, कोई भी क्वेश्चन रख देंगे तो हम कोई भी क्वेश्चन रखेंगे तो 2p + 3q = 2। अब क्या है, 2 * 1/2 + 3q = 2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 है उधर चला जाएगा, तो 3q क्या बचेगा, 2 - 1, तो ये क्या हमारा q है, 3q = 1। तो q की वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, 1/3। क्या आ गई हमारे q की वैल्यू, 1/3, की वैल्यू हमारी आ गई 1/3। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन में रखेंगे, हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो
हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, ना कि हमें अंडर रूट की वैल्यू चाहिए। क्या हुआ, हम क्या हुआ, वन अपान अंडर रूट एक्स इजगल टू पी, और पी की वैल्यू क्या लेट किया है हमने, जो लेट करते हैं वहाँ क्या कहते हैं, क्या कर देंगे हम 1/2, अब स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्ष में, क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो वन अपान का एक्स इजगल टू 1/4, ट्रांसमल्टीप्लीकेशन कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। उसी प्रकार सिमिलर वन अपान का अंडर रूट वाई इजगल टू, क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/3, अब स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, वन अपान वाई इजगल टू वन अपान का 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, वाई की वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी। यही हमने आपको पहले बताया था। क्या है, मैथ बहुत इजी है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सही से लगाना है। हम हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, अगला टाइप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वी आई, मतलब क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इस तरह क्वेश्चन कहीं भी दिया होगा तो आपको ये अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार हमारे बोर्ड में आ चुके हैं। तो क्या करते हैं, इस तरह क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करते हैं, क्या करेंगे हम एक्स जो यहाँ लिखा होगा एक्स वाई, इसको सम में डिवाइड कर देते हैं। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ये पूरे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा हमारा 6 आ गया। अब इधर क्या आ जाएगा, 6 अपान वाई प्लस 3 अपान का एक्स। ठीक, अभी क्या करेंगे हम, इसी प्रकार सेकेंड वाले करेंगे, इक्वेशन हो गए हमारी फर्स्ट, सेकेंड वाले करेंगे 2x प्लस का 4y इजगल टू 5x इंटू वाई, जबकि इधर एक्स वाई इक्वल में आ जाए तो क्या करते हैं हम, एक्स वाई से यहाँ भी डिवाइड, एक्स वाई से हम यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं और एक्स वाई से यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं। यह एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये वाई कैंसिल हो जाएगा, 2 अपान का वाई प्लस 4 अपान का एक्स इजगल टू 5। क्या क्वेश्चन हमारा ये पहले जैसे नहीं बन गया, अभी जो हमने कराया है। क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें पहचानना होगा, हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है इक्वल में, एक्स वाई से यहाँ डिवाइड करेंगे और एक्स वाई से यहाँ डिवाइड कर देंगे, उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा यह आ गया। फिर हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन है लेट करेंगे, वन अपान वाई इजगल टू पी, फिर वन अपान एक्स इजगल टू क्यू, क्या करेंगे, वन अपान वाई की जगह में लिखेंगे पी प्लस 3 क्यू इजगल टू 6, फिर इसमें करेंगे हम रखेंगे वैल्यू, तो 2p प्लस 1 अपान एक्स जगह में क्या रखेंगे, 4q इजगल टू 5। ये क्वेश्चन हमारी क्या बन गई, ये क्वेश्चन हमारी थर्ड है, ये क्वेश्चन हमारी फोर्थ है। क्या है हमारी इक्वेशन, हमारी इक्वेशन क्या कहते हैं, ये है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, क्या था हमारा, 6p प्लस का 3q इजगल टू 6। ये इक्वेशन हमारी थर्ड थी, इनको हम सही से लिख लिया। फोर्थ इक्वेशन क्या थी, 2p प्लस का 4q इजगल टू 5, ये फोर्थ इक्वेशन थी। अब हम इन इन क्वेश्चन को हम सही से करेंगे और वही एनी मेथड मेथड लगाएंगे। क्या है हमारा एनी मेथड मेथड, तो हमें कॉफी इक्वल करना पड़ेगा, तो इसका ये है, तो नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर हम क्या कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब चाहे ये क्यू का कॉफी इक्वल कर लें, चाहे नीचे वाले कॉफी इक्वल कर लें, चाहे पी का कॉफी इक्वल कर लें। अब क्या हुआ, इसका 4 का मल्टीप्लाई सम में करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, बार बार हम बताते हैं, यहाँ केवल मल्टीप्लाई करते हैं और 6 में नहीं करते हैं, इक्वल में नहीं करते हैं, इक्वल में भी करना है, 6 × 4 = 24 हो जाएगा, 6 × 4 मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, फिर 4 मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा, जब हम 4 मल्टीप्लाई किया प्लस
ट्वेल्व क्यू इज इक्वल टू 24, फिर सिक्स पी थ्री का मल्टीप्लाई यहाँ भी और थ्री का मल्टीप्लाई यहाँ भी, तो ट्वेल्व क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 5 3 15 हो जाएगा। अब दोनों क्या कर देंगे, हम दोनों को हम माइनस कर देंगे, दोनों को हम माइनस कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 18 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/18 कैंसिल करो हमारे 1/2 आ जाएगा, p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1/2। जब p की वैल्यू 1/2 आ गई तो q की वैल्यू हमें निकालना है, तो कोई भी इक्वेशन रख लेंगे, तो क्या करेंगे 6p या इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिए, क्या रख दीजिए इक्वेशन फोर्थ में, p का मान इक्वेशन इसमें रखने पर 2p प्लस का 4q इजिकल टू 5, 2 इंटू 1/2 पी की वैल्यू रख दिया, 4q इजिकल टू 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा, 1 प्लस 4q इजिकल टू 5, इसको हम उधर भेज दिया तो q की वैल्यू 4q की वैल्यू आ जाएगी 4, कैंसिल कर दिया तो q की वैल्यू हमारी आ जाएगी, क्या आ जाएगी q की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, पी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 आ गई। अब जब पी की वैल्यू हमारी 1 आ गई तो हमें लेट क्या किया था 1/y = p, माना क्या था 1/y = p, 1/x = q। तो हमारा क्या हुआ 1/y = p, पी की जगह हम 1/2 रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, या वो ऊपर इक्वल है तो नीचे भी इक्वल हो जाते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं आप, क्या है q की वैल्यू हमारी क्या है 1/x = क्या है हमारी, q की वैल्यू हमारी 1 है तो 1/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, या ऊपर इक्वल नीचे भी इक्वल हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा 1, क्या वैल्यू आ गई हमारी x की वैल्यू आ गई 1, 2 की वैल्यू आ जाएगी 1। इसीलिए हमने आपको पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का आंसर बता दिया था, क्या करना है आपको पहले वाली वीडियो बहुत ही अच्छे से देखना है, नहीं देखा है तो आप जाइए विश स्टडी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सर मतलब प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास टेंथ लीनियर इक्वेशन अलग अलग, इसलिए बना दिया कि स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। क्या करना उन बच्चों तक आपको चैनल को पहुँचाना है, उन बच्चों तक पहुँचाना जो घर में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं और बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको क्या है ये सब फ्री कंटेंट मिल रहा है, बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो आपको क्या करना है जैसे आप कोचिंग ऑफलाइन जाते हैं उसी प्रकार आपको पढ़ना है, ये नहीं सोचना है कि फ्री में है। तो ठीक है आज के लिए इतना ही, आप डेली कंटिन्यू हो जाएंगे, अभी तक तो हमारी 3 दिन क्लास नहीं आ पा रही थी कोई रीजन से, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट।